flying. आज हम पहुंचे हैं जो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी और इस पर जिसे अड्डे का काम भी कहते हैं, तो उसका रॉ मटेरियल कहां से आता है और किस तरह बल्क में लेके जाते हैं और क्या क्या चीज़ लेके जाते हैं। तो मार्केट में हम आए हैं और इसी चीज़ को जो है ना हम एक्सप्लोर करेंगे। एक हमारे भाई हैं अल शेख ज़री मटेरियल सेंटर, होल सेल की एक शॉप है और पूरे उरंगी टाउन को ये कवर करते हैं, और ये भाई हैं हमारे और इन्होंने ही सपोर्ट किया है हमें, और हम बात करते हैं फिर चलते हैं। चले हम अंदर से चले जाते हैं, ये कह रहे हैं कि अंदर से होगा तो सुकून से बात हो जाएगी। और हम शॉप के अंदर पहुंच गए हैं। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है? और जी भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल कुद्दूस भाई, हमने एक पहले वीडियो बनाई थी जी। और एक अड्डे का काम हो रहा होता था और हमने उनसे पूछा था कि आप ये जो है ना ये कहाँ से सप्लाई जो है आप रॉ मटेरियल की कराते हैं, तो उन्होंने आपकी जो है ना शॉप का हमें बताया कि औरंगी टाउन में एक बहुत बड़ी शॉप है और ज़री मटेरियल के नाम से है, और अल शेख ज़री मटेरियल के नाम से है, और हम वहाँ से लाते हैं और हमें बहुत सस्ता भी पड़ता है और बल्क में लेके आते हैं जी। और हमने कहा कि चलो हम भी उन भाई साहब से मिल लेंगे, और हमें एक तजस्सुस हुआ कि हम भी देखें कि किस तरह जो है ना बल्क में मटेरियल होता है, और क्या हम थोड़ा सा चीज़ों के नाम के बारे में पता करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, मैं आपको दिखलाता हूँ। ये चैन है, चैन इसको चैन कहते हैं। सही। ये जो है ये कपड़े में लगता है सिंगल लाइन हो के इस तरह से। सही बेहतरीन। और ये इस तरह से लगता है। सही। और ये बहुत खूबसूरत लगता है काम बहुत में। बहुत ही खूबसूरत है। वैसे इस पर मुख्तलिफ कलर भी हैं। सही। कलर के हिसाब से कस्टमर के डिमांड से ये लगता है काम में। और ये कितने तक का मिल जाता है? एक इसको क्या बोलते हैं? ये चैन का इसको रोल कहते हैं। ये रोल 750 रुपये का इस वक्त। हाँ, ये अपने लाहौर में ही तैयार हो रहा है यहाँ पे। सही। वहाँ से हमारा माल डायरेक्ट आता है लाहौर से यहाँ, और फिर ये सेल होता है यहाँ पे 750 रुपये का। ठीक। लेकिन इसकी यहाँ पे कराची में प्रोडक्शन नहीं है? इसकी प्रोडक्शन है ना अच्छी खासी, लेकिन कंपनी जो है ये लाहौर में ही है। अच्छा, तैयार लाहौर में ही होता है। सही, सही, सही। सेलिंग सबसे ज़्यादा तो कराची में ही है। हाँ, लेकिन हाँ ये तैयार लाहौर में होता है। अच्छा। वैसे ये इसको कहते हैं तिल्ला। तिल्ला, हाँ। इससे भी काम होता है कपड़ों पर, और बहुत खूबसूरत काम होता है। हाँ माशाल्लाह, ये तो लग भी रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। और देखें कि ये डिफरेंट कलर भी हैं जैसे भाई ने बताया है। हाँ, इसमें और ये पूरा शेल्फ जो है एक ही चीज़ से भरा हुआ है। हाँ, ये पूरे का पूरा। और ये क्या चीज़ है? ये थोड़ा डिफरेंट, ये मोती है। अच्छा, ये मोती है। ये चाइना आइटम है। चाइना का आइटम है, ये मोती हैं, लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये तिल्ला दिखा बताया आपने, और ये जो है ना सारा पूरा शेल्फ जो है ना तिल्ले का, डिफरेंट कलर और डिफरेंट वैरायटी है। और इसके अलावा ये डोरा होगा मेरे ख्याल से। ये इसको ये डोरी है।
सही। ये भी लगता है मुख्तलिफ तरीके से लगता है। हाँ, ये खूबसूरती के लिए, हाँ काम उसका जो है ना एनएस, ये क्रिस्टल वगैरह है। अच्छा, ये क्रिस्टल है। ये चाइना आइटम होता है, ये सब जो है ये चाइना से ही आता है यहाँ पे, यहाँ ये सही बनता नहीं है। कपड़े की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और डिज़ाइन को एक अच्छा लुक देने के लिए ये यूज़ होता है। और ये नगीना वगैरह, नगीना ये भी कपड़े में लगता है। और ये कितने का है? ये इस वक्त जो ये पैकेट है ये 35 रुपए का है। 35 का है। आप ये बताएंगे ये वजन के हिसाब से देते नहीं, ये दाने के हिसाब से होता है। इस पैकेट में 700 दाना होता है। 700 दाना और 35 रुपए का जी, फिर तो सस्ता है समझ लें। और ये चीज़, ये जो पैकेट है ये 1000 रुपए का पैकेट है। 1000 रुपए का। और इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं, इसको मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं। कुछ इसको पान नग कहते हैं, पान नग, हाँ पान नग कहते हैं। कुछ इसको जो है बादाम कहते हैं। तो इसका मखसूस नाम नहीं है। ये वही वाली डोरी है जो हमने पहले देखी है जी, सेम है। और माशाल्लाह सारे शर्ट, ये टिकिया है, ये इंडियन टिकिया कहलाती है ये सब। इंडियन टिकिया जी। और ये वाली चीज, ये नग है, ये नगीना है। अच्छा, ये नगीना, ये भी हर कलर में आता है। सही। ये तो कपड़े की मैचिंग को देख के लगा रहे होते होंगे। और ये चीज क्या है? ये डिफरेंट लग रही है, गोल गोल। ये बॉल है, ये भी आजकल काफी चल रहा है। अच्छा, ये जो है ना, ये इसमें साइज भी होता है, बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो ये भी लगता है काम में ना, बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी लगता है और मुख्तलिफ तरीके से लगता है। लटका के इसको ज्यादातर ये आउटर लाइन में देखा है, दामन और इसके आस्तीन और दामन वगैरह में ये लगता है। आउटर लाइनिंग पे ये बहुत प्यारा लग रहा होता है। और ये सारे ये सितारे हैं जी, और डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट कलर के हैं। और ये वजन के हिसाब से देते होंगे ना? ये वजन हिसाब, ये तोला माशा के हिसाब से। ये तो सोने समय है ये तोला हिसाब है, 15 रुपये 10 रुपये तोला है ये सब। सही, ये तो समझ लें कि आप सोना ही खरीद रहे हैं। और माशाल्लाह सारे शर्ट जो है ना डिफरेंट कलर। और ये क्या चीज़ है? ये मोती है। ये भी ये मोती है। हाँ, ये कलर वाइज, ये भी कलर के हिसाब से लगता है। लंबे और छोटे बहुत ही डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइज के हैं। और ये तो वही माशे के हिसाब से ही मिलेंगे और दूसरा ये डोरा है, ये धागा है, ये उसमें यूज़ होता है, इसी धागे से ये काम होता है। ये काम होता है, ये तो फिर पक्का धागा होता होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर ये टूट जाए तो फिर वो सारा काम खराब हो जाता है। महंगा काम हुआ होता है और इतना महंगी मेहनत तलब काम होता है और इतना महंगा भी मिलता है। अगर ये थोड़ा सा टूट गया तो बस सारा काम ही ख़त्म, फिर दोबारा से नए सिरे से करना पड़ेगा। हाँ, तो सारी मेहनत भी गई और पैसा भरने वाले का पैसा भी गए। तो ये क्या चीज़ है? ये थोड़ी डिफरेंट, ये रिंग है, रिंग, इसको 40 नंबर रिंग कहते हैं। इसके ऊपर ये एक एक पीस अलग अलग लगता है और इसके ऊपर नग रखा जाता है, वो कलर के हिसाब से, जो सा कलर अच्छा लगे कपड़े के हिसाब से ये लगाया जाता है। और ये वाली चीज़, इसको गोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटे के फूल कहते हैं इसको। गोटे के फूल, सही। और ये भी अभी फैशन में इन है। अच्छा, ये गले में लगते होंगे ना ज़्यादा? ये गले दामन डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइनर सेट करते हैं इसको। और ये वाली चीज़, ये इसको कोरा कहते हैं। कोरा, हाँ, ये भी हमारे लाहौर में ही तैयार होता है। सही। और इसमें भी सब कलर आते हैं? सब कलर आते हैं जी। ये लगते कपड़े कौन सी साइज के लगते हैं? गला, दामन या इस तरह? ये बस इससे सारे काम ही बॉर्डर बन रहे होते हैं, इससे गले के भी बॉर्डर बन रहे होते हैं, दामन भी बन रहे। और ये वाली चीज, ये लेस है, ये रिंगों का लेस है। अच्छा, इस पर भी नग लगते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया, एक नग की जगह मिल गई समझ में। हाँ, इस पर एक एक दाना नग जो है वो लग जाता है तो अच्छा लगता है। सही। तो देखें भाई, ये यहाँ पे ये रेशम, रेशम रेशम कौन सा है? अच्छा, ये रेशम डब्बू में पैक है और इसको खोलेंगे। हाँ, अच्छा, ये रेशम का यानी कि डोरा है। इसमें भी काफ़ी कलर है, तकरीबन 500-600 कलर है इसमें। अच्छा, माशाल्लाह। तो क्योंकि यहाँ पे ये हमारी मेन शॉप है जो भाइयों ने बताई थी। और ये देखेंगे माशाल्लाह कस्टमर भी है, फिर वैसे ही होते हैं क्योंकि एक ही है। और भाई ने हमें टाइम दिया और भाई के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपने कस्टमर को छोड़ के हमारे साथ कॉपरेट किया। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। और मिलेंगे इंशाल्लाह।